दोस्तों, अगर आप चाहते हैं टीम इंडिया इस बार रोहित की कप्तानी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करें तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और बांग्लादेश के बीच बहुत जल्द सफेद कपड़ों में खेला जाएगा टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा घमासान। बीसीसीआई ने कर दिया है अब इस रोमांचक टेस्ट सीरीज के लिए खूंखार खिलाड़ियों से सजी भारत की नई टीम का ऐलान। तो आखिर कब और कहां खेला जाने वाला है इंडिया और बांग्लादेश के बीच सांस रोक देने वाला ये पहला टेस्ट मैच? कितने बजे से होगी इसकी शुरुआत? बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए क्या रहने वाली है भारत की प्लेइंग 11? ये सब कुछ इस मुकाबले से जुड़ी एक एक लाइव अपडेट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव में से कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अब बहुत जल्द रोहित और गंभीर की जोड़ी के सामने एक नई चुनौती होने वाली है। जी हां, आपको बता दें, अब टीम इंडिया की अगली सीरीज बांग्लादेश से होगी। दोनों टीमों के बीच टेस्ट और टी20 मैच ले जाएंगे। दोनों मैचों की रेड बॉल सीरीज 19 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू होगी। लेकिन उससे पहले ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक रोमांचक प्रैक्टिस टेस्ट खेला जाएगा। इसकी शुरुआत 10 सितंबर से होने वाली है। यह 4 दिनों का टेस्ट मैच 13 सितंबर तक आयोजित होगा। यह महामुकाबला सुबह 9 बजे से खेला जाएगा, जिसे आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी सोनी लिव के ऐप पर होती हुई नजर आएगी, तो इसे कोई भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेगा। साथ ही साथ इस सीरीज में टीम इंडिया में बदलाव नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरफराज खान, ध्रुव चुरैल, आकाशदीप और रविचंद्र अश्विन जैसे कई खिलाड़ी लंबे अंतरराष्ट्रीय ब्रेक के बाद वापसी करेंगे। ये खिलाड़ी इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में शामिल हुए थे और अब उनकी वापसी हो गई है। श्रीलंका दौरे से आराम के बाद जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा भी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। बता दें कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट और 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क में 27 सितंबर से होगा। टेस्ट सीरीज के बाद टी20 सीरीज का आगाज होगा। अगले साल होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को देखते हुए रोहित शर्मा की टीम के लिए 2 मैचों की टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होगी। भारतीय टीम 2 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद अभी तक ट्रॉफी नहीं उठा पाई है। रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और केएल राहुल के बाद भारतीय मध्यक्रम को समर्थन प्रदान करेंगे। उम्मीद है कि रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे, जबकि ध्रुव चुरैल की जगह ऋषभ पंत भारत की पहली पसंद हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन के साथ अक्षर पटेल को भी बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं श्रेयस अय्यर भी टीम में जगह निश्चित करना चाहेंगे। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ वनडे में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। पिछले कुछ सालों में भारत के लिए बेहतरीन गेंदबाज रहे मोहम्मद शमी को वापसी करने में कुछ और समय लग सकता है। मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह के साथ साथ मोहम्मद सिराज पर भी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में अब भारत की नई प्लेइंग 11 पूरी तरीके से बदली नजर आने वाली है। जी हां, आपको बता दें, बांग्लादेश के खिलाफ जहां ओपनिंग क्रम में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से जलवा दिखाना चाहेंगे, जहां गिल के सामने अपनी फॉर्म में वापसी करने की बड़ी चुनौती रहने वाली है। नंबर 3 के पायदान पर विराट कोहली एक बार फिर टीम इंडिया की बैकबोन बनेंगे, जिनका भी फॉर्म कुछ खास नहीं है। नंबर 4 के पायदान पर लंबे समय बाद टीम इंडिया में एंट्री करने वाले हैं ऋषभ पंत, जो कि एक्सीडेंट के बाद पहली बार सफेद कपड़ों में भारतीय जर्सी में नजर आएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि लंबे फॉर्मेट में वो किस तरीके से परफॉर्मेंस दे पाते हैं। नंबर 5 के पायदान पर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में टीम में जगह बनाने की बहस हो सकती है, लेकिन जहां तक की है, श्रेयस अय्यर को उनकी हालिया फॉर्म देखते हुए रोहित राहुल से बेहतर तवज्जो दी जा सकती है। तो नंबर 6 के पायदान पर सरफराज खान के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलेगा। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में 7, 8 और 9 नंबर के पायदान पर 3 खतरनाक ऑलराउंडर अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा लंबे समय बाद एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे, जहां ये तीनों अपने कातिलाना गेंदबाजी से लेकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अकेले ही बांग्लादेश को तबाह और बर्बाद करने का दम रखते हैं। तो फिर एक बार फिर तेज गेंदबाजी क्रम में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का जलवा देखने लायक होगा। तो दोस्तों, ऐसी नजर आ सकती है बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों, अब आप किस खिलाड़ी को भारत के लिए टेस्ट मैच खेलते देखना चाहेंगे? प्लेइंग 11 में कौन से बदलाव होने चाहिए? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगाना पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप
आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया, जहां अब पहला झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गया। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद में बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ यह कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था, तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्ला। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ले जाते हैं। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से भर चुका था, तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमदुल्ला ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्ला ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो वहीं 1 विकेट अर्शदीप सिंह और 1 विकेट रियान पराग के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्य, जहां सूर्य और यशस्वी जायसवाल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक भी केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो कि टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहां T20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब तक खेल पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे, बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिकुर रहमान। अब यहां पहली गेंद पर मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ डाली, जो कि रिंकू सिंह से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वो ही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके
तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने एक रन भाग लिया। और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को तीन गेंदों पर तीन तूफानी छक्के लगाने थे, तो तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती क्योंकि तीन गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। पांचवी गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दी। और अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी।